नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भाई किसान के घर से है। पीछे आप देख भी सकते हो भाई, ज्वार जो एक साधारण किसान का जो अपना रहने का जो तरीका भाई खेतों का खुले आसमान के नीचे भाई सेम वैसे ही आज हमारा दिखाने का आपको वीडियो बनाने का हमारा मेन एक ही उद्देश्य है भाई। थार पार करके अंदर श्वेत कपीला, जिसे आप स्वर्ण कपीला बोल देते हैं भाई दोस्तों, आप देख सकते हो प्योर थार पार कर। अब दोस्तों थार पार का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिसके नाम में भाई थार है तो आप समझ सकते हो कि भाई राजस्थान की ओम ब्रीड यानी देसी राजस्थान की ब्रीड है ये। तो भाई दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, थार पार की जो खासियत है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने की इसकी क्षमता है इसकी बॉडी की। आप ये जो झालर देख रहे हो, इससे टेम्परेचर एडजस्ट करने का इसके अपने अंदर अपने आप एक हुनर होता है भाई। थार नस्ल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये टेम्परेचर अपना बर्दाश्त कर सकती है गर्मी। तो इसको रखने के लिए, घर पे रखने के लिए, रख रखाव के लिए ज़्यादा एक हाई फाई एनवायरनमेंट देने की कोई क्षमता नहीं है। दोस्तों हम आए हैं भाई पवन भाई के पास, आपको अब मिलवाते हैं पवन भाई से। पवन भाई नमस्कार। नमस्कार रवि भाई। तो पवन भाई एक बार अपना एड्रेस दे दो आप भाई। नाम पवन गणगस, गाँव खरकड़ी, डिस्ट्रिक्ट हिसार भाई। डिस्ट्रिक्ट हिसार भाई। दोस्तों आज इस गौ माता की सारी डिटेल पवन भाई देंगे। और दोस्तों ये वीडियो सेल के लिए नहीं है भाई, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको एक श्वेत कपीला थार पार के अंदर इतनी सुंदर बच्चा दिखाने का है कि भाई आप इसकी सुंदरता देख सकते हो। वाकई में लाजवाब और एक शानदार, एक आकर्षक है अपने आप में, अपने तरफ ये लोगों को आकर्षित करती है, ऐसी इस बच्चा की सुंदरता है दोस्तों। और नायाब चीज़ है ये हमारे हरियाणा के अंदर। पहले मैंने आपको दिखाई थी भाई रेवाड़ी के पास एक थार पार कर में ऐसी स्वर्ण कपीला थी। अब हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी एक ऐसी स्वर्ण कपीला है, वो आपको आज हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य है भाई। दोस्तों आप देख सकते हो श्वेत कपीला, जिसे आपके आपा कह देते हैं भाई, और प्योर थार पार्कर में हैवी जालर के साथ नाभी भी आप देख सकते हो। अगर हम नाभी की बात करें तो वही अपना गढ़ कंबल और नाभी भाई। तो इसकी सारी डिटेल पवन भाई देंगे। पवन भाई एक बार अपनी गौ माता की डिटेल दो भाई साहब। राम राम सभी, आपका चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम भाई। भाई साहब इसकी माँ अपने सूरतगढ़ से मैंने ऑक्शन पे ली थी, तो उस टाइम उसकी एज लगभग 15-16 महीने होगी भाई। 15-16 महीने, हाँ। तो वो अपने घर आके ने पहली बार कंसीव कराई अपन ने, तो अपन एक सीमन से कंसीव कराई, तो उसने मेल काफ को जन्म दिया। मेल काफ को पहले ब्यात में, पहले ब्यात में, हाँ। तो वो अपन मेल काफ एक गौशाला को दे दिया था। दूसरे ब्यात में अपने पास अपना एक मित्र है, उसके कहे सुने से काफी दिन के बाद अपन युवराज, उसके अर्जुन बुल है जो KGS जी नूरमेल के पास था। KGS जी अर्जुन थार पर, प्योर थार पर, प्योर थार जी। देखो इतनी तो थार की नॉलेज नहीं थी अपन, फिर आप वर्ग दो चार भाइयों से संपर्क किया तो उससे अच्छा धरती पे कोई बोल नहीं बताया थार का। थार का तो अपन उसकी एक सिंगल डोज मिल पाई भाई। आपने वो डोज कितने की मिली थी भाई साहब? डोज तो 3000 रुपए की, तो कोस्ट थी। आप उसका तो खर्चा फड़ाओ मत ना आया जाहिर, वो डोज कितने की थी वो तो बताना भी बहुत कॉस्टली हो जाए। डोज के 3000 रुपए हो तो डोज का कोई रेट नहीं था भाई साहब। और पहली बात है, जैसे आपका चैनल है सीड ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ जी, बीज का कोई महंगा नहीं होता भाई, अगर बीज असली हो तो। प्योरिटी है तो कोई महंगा नहीं है, चाहे शुद्ध, चाहे पशु का हो, पशु का हो, गाय का, भैंस का, चाहे खेती का हो, चाहे ज्वार का हो, बीज का कोई महंगा नहीं होता। अपन शुद्धता देखी थी अपन, बीज की कोई रेट की वाह नहीं करी। तो अपन ने वो सीमन रख दिया भाई। ये मन में ये भी टिस थी भाई, एक सीमन प्रेग्नेंट होगी ना होगी, प्रेग्नेंट होगी भगवान के अच्छे करने में फीमेल आ गई। फीमेल आ गई तो ये अपने अर्जुन की बेटी है, इसकी माँ सूरतगढ़ की थी अपने पास से। माँ सूरतगढ़ से, ये अर्जुन की बेटी, हाँ, अर्जुन की डायरेक्ट बेटी, अपने घर का जन्म है भाई, अपने घर का जन्म। और अभी जो 11 तारीख है गई है 7वें महीने की, उसने पूरी 1 साल की होगी आज, या 1 साल 5-7 दिन की एज है इसकी। इसकी 1 साल 5-7 दिन की एज है। तो अभी आप बच्ची है, बच्चिया है अभी, हाँ, बच्ची है 1 साल की, मान लो भाई 5-7 दिन छोटी बच्ची है अभी। हाँ। भाई दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी मूल्यवान वस्तु हुई, व्यक्ति हुआ या गोवंश हुआ या भाई कोई भी पशु हुआ, उसकी कदर इंसान को और समाज को जब होती है, जब वो अपना जी अपनी इस धरती को छोड़ के चला जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी भाई इसके पिता की भी है, अर्जुन की। जब तक भाई वो जिया, उसका जो सीमन है 50 रुपये 100 रुपये स्ट्रो उसकी सेल हुई, लेकिन जब उसका भाई जीवन काल पूरा हो गया, वही सीमन उसी बुल का 10-10 हज़ार रुपये स्ट्रो भी सेल। 10,000 में भी नहीं है भाई आज असली स्ट्रो, अगर कोई लेना चाहे ना, हाँ। लोग देने को तैयार हैं 10,000 रुपये भी, 10,000 मिलना ही मुश्किल है भाई, है ही नहीं सीमन तो मिलेगा कहाँ से।
ऐसी क्या खासियत भाई इसके पिता की भाई जो इतना कॉस्टली इसका स्टोर? भाई साहब मैंने तो जो थार के अच्छे जानकार हैं अपने सर्कल में 10-20 भाई अपने नजदीक से काला नया नदम तैन वाला जिसकी एक बार बच्ची चैंपियन भी बनी थी पीडीएफ में गोरी हाँ। और मेरे हिसाब से टिकटॉक पे उससे ज्यादा वीडियो चलने वाली कोई आज तक हरियाणा नस्ल की बछड़ी हुई भी नहीं होगी। अच्छा सबसे ज्यादा उसके सबसे ज्यादा फॉलोवर थे भाई साहब, उससे सुंदर बछड़ी आज तक हरियाणा में जन्म नहीं लिया। अच्छा तो उनसे दो चार भाइयों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया भाई आप अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जाए, आपकी गाय अगर अर्जुन से बच्चा दे दे तो सोने पे सुहागा हो जाए। वो सब भाइयों के कहने से अपनी मेहरबानी से वो काम संपन्न हो गया। तो अगर आप बात करा जिस तरह भैया श्वेत कपिला है, हाँ जी भाई, तो माँ भी श्वेत कपिला? ना माँ श्वेत कपिला नहीं थी, पिता भी श्वेत कपिला नहीं, ना तो पिता है भाई ना माँ थी। माँ जो अपने नॉर्मल जैसे रूटीन में जो गाय होती है ना, थार में अच्छी थी, माड़ी नहीं थी, बहुत अच्छी गाय थी, शुद्धता थी, लेकिन वो सफेद कपिला नहीं थी। ये अपना किस्मत लगा लो, बस अपना कर्म लगा लो, 10-12 साल की मेहनत लगा लो। काम धेनु जिसे आप बोलते हैं घर में उसने जन्म लिया? उसने जन्म लिया भाई। तो भाई घर वाले भी खुश हुए होंगे? हाँ बड़े खुश हुए भाई। पहले अपने एक बैल होया करता, पिताजी ने बताया था काफी 20-30 साल पहले ऐसा सेम उसका अपने घर पे जन्म हुआ था, तो वो कहने लगे उसके वर्गा ही सेम आ गई भाई। अच्छा वो अपने घर पे, उसका भी अपने घर पे जन्म हुआ था 20-30 साल पहले जब अड़ जोड़ा करते, और अपने घर पे उसने प्राण पूरे किए थे भाई। अपने घर पे हाँ, वो जितनी एज उसने पूरी की। तो दोस्तों देखो ये पवन भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि भाई हमारे घर में उस बैल ने अपने प्राण पूरे करे, जीवन कार्य उसका अपने ही घर में पूरा हुआ। आजकल हम जो देखते हैं भाई जवानी में बैल से कमा लेते हैं लेकिन बाद में खुला छोड़ दे, वो भी गलत है। और ऐसा ही हमारी गौ माता के साथ हो रहा है भाई, जब तक दूध देती है अपना रख ले हैं, नहीं फिर बाद में कहते गौशाला में छोड़ देंगे। हाँ, वो सबसे बड़ा समस्या रवि भाई, वो आज के गौशाला उसी कारण बढ़ रही है, और नहीं गौशाला की क्यों जरूरत है, गाय को गौशाला की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा खेत में बढ़ गई, हमारी फसल ने खा गई, हमारा चारा खा गई, फसल का नुकसान कर दिया, सच्चाई तो भाई दोस्तों यह है कि इनकी फसल हम खा गए। पहले हर गांव में कम से कम 50-60 एकड़ गोचर भूमि होया करती जिसमें आप बणी बोल दिया कर दे, उनमें गाय ही और अपना पंचायती झोटा और पंचायती खागड़ ये रहा करते, और आम किसान के पशु भी उड़े घूमने फिरने अपना चरने के लिए जाया करते। आज वो चीज़ें खत्म होगी, तो भाई गोवंश तो वही है, लेकिन अब लोगों ने ये लगन लग गया भाई हमारी फसल का नुकसान करे है, हमारा घरा बड़ा है धक्का तो यूँ करे। भाई दोस्तों कपिला दिखाने का आज का हमारा उद्देश्य था, श्वेत कपिला प्योर थार पार करके अंदर है, और ना तो भाई माँ इसकी श्वेत कपिला थी और ना पिता श्वेत कपिला है, दोनों में से कोई भी श्वेत कपिला नहीं है, और बच्चिया ने भाई कामधेनु के रूप में श्वेत कपिला में जन्म लिया। अगर आप बात करें पवन भाई माँ के दूध की, तो दूध का क्या कुछ माँ का? पहले ब्यांत में 11-12 किलो भाई, हाँ, और दूसरे ब्यांत में 2 किलो पर मान लो, यानी तीसरे ब्यांत में अभी उसने बच्चा दिए ना आज 3-4 दिन हो गए फीमेल को जन्म दिया है, एक फुन्ना के बुल से। कौन से बुल से? फुन्ना का बुल था एक, हाँ, उसका पुन्ना से लिए थे हमने सेक्स रोटेड सीमन, उससे फीमेल काफ को ही जन्म दिया, फीमेल काफ को ही जन्म दिया, वो भी थार पारकर में ही, हाँ, प्योर थार में दिए, लेकिन वो कपिला नहीं है, वो कपिला नहीं है, हाँ, नॉर्मल अपने ये सिर्फ भाग अपने अपने दे, हाँ, बस अपने भाग थे, पहले वाली भी बच्चा भी बछड़ा था वो भी नहीं आया, और अब वाली भी बीच बीच वाली यही आई। भाई दोस्तों भाई की आप सफेद कपिला एक बार पूरी ध्यान से देखो, पिछली वीडियो में लोगों ने ये कहा था कि भाई कपिला नहीं है, थोड़ी कमी है, लेकिन इसमें भाई कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, एकदम जिसे आप कह देना सफेद श्वेत एकदम वो है, आंखों से लेके सींग दिखा दे काले भाई, सींग दिखाओ भाई एक बार, इसके पूछ दिखाओ, इसके नीचे से पैरा के खुर दिखाओ, पंजे दिखाओ भाई। जो लोग कह देते कि ना भाई थोड़ी सी कमी है, लेकिन भाई इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम श्वेत जिसको कह दे, पीछे से पूछ आप देख सकते हो भाई, और शुद्धता प्योरिटी जिसको आप बोलते हैं थार पार नस्ल में वो है श्वेत कपिला भाई। अपने हरियाणा में ही एक भाई ने बताया था, और ये भाई के बारे में बताया था कि भाई आपने अगर श्वेत कपिला देखनी है तो हिसार में है भाई, उसके पास जाओ, काला नैन भाई है, उसने फ़ोन करके मेरे को स्पेशल कहा था, कह रहे तूने श्वेत कपिला की वीडियो बना ली, मैं कहा नोला फिर एक वीडियो और मैं बनवा के लाऊँगा, फिर तू खुद बताइए किस में प्योरिटी और शुद्धता ज़्यादा है। तो भाई देखो गोवंश को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते भाई, ना पहले वाली को ना इसको, लेकिन सब अपनी जगह में प्योरिटी में है, शुद्धता में है। ये जो गौ माता है भाई, इसको मैं इसमें मेरे को भी थोड़ा पहले वाली से ज़्यादा खूबियाँ लगी भाई, जो हम कह देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड भाई इधर आना, जो कपिल थार पार में जो खासियत है, आप ये इसके फेस के नीचे ये जो वी बना देख रहे हो ना भाई, ये वी
थार पार्कर की निशानी है कि इसके गढ़ कंबल का ऐसे वी बनेगा जैसे ये वी बना हुआ है, और ऐसे ही इसके नाभि के पास होता है भाई। ये इतनी प्योरिटी जो होती है भाई थार पार्कर की, ये पहचान है मेरे को भी भाई। किसान साथियों जैसे आपके साथ जाते हैं, उन भाइयों ने बताई है इतनी जानकारी, मेरे को पहले मेरे को भी नहीं थी, लेकिन अब है भाई। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और जय गो माता की, जय गोपाल। राम राम भाई, राम राम भाई। भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी, मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही। स्काईलार्क फीड खिलाओ गाय को। क्या फायदे है स्काईलार्क फीड के? स्काईलार्क फीड के फायदे: बाईपास फैट सहित, दूध उत्पादन व प्रजनन प्रणाली में सुधार, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर, एक समान स्वाद और गुणवत्ता वाली फीड। स्काईलार्क फीड खिलाओ और पशु को हर बीमारी से बचाओ और दूध की क्षमता बढ़ाओ। थैंक यू भाई स्काईलार्क के बारे में बताने के लिए, आज से मैं स्काईलार्क का फीड ही यूज करूंगा। और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो www.skylarkfeeds.com, और इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। संपूर्ण पोषण दूध की बहार।